सोलर पैनल मामले में विश्व व्यापार संगठन से भारत को एक बार फिर झटका लगा है। WTO पैनल के फैसले को बरकरार रखते हुए संगठन के अपीलीय निकाय ने भारत की अपील खारिज कर दी है। भारत ने नेशनल सोलर मिशन के तहत घरेलू सामग्री को साल 2011 में अनिवार्य बनाया था। अमेरिका ने भारत को यह कहते हुए WTO में खींचा कि इस अनिवार्यता के चलते उसके सोलर उत्पादों के निर्यात में 90% की गिरावट आई। फरवरी में WTO के पैनल ने इस अनिवार्यता को विश्व व्यापार नियमों के खिलाफ बताते हुए भारत के खिलाफ निर्णय दिया था। इसी फैसले के खिलाफ ही भारत ने अपील की थी। अपील टुकराए जाने के बाद अब भारत को 6 से 7 महीने के भीतर सोलर पैनल की सोर्सिंग से जुड़े नियमों को विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप बनाना होगा। फिलहाल सौर ऊर्जा डेवलपरों को भारत में बने सेल और मॉड्यूल वगैरह का आवश्यक रूप से इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन अब आए फैसले से भारत के घरेलू सोलर उत्पाद निर्माताओं को नुकसान होगा। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच यह कोई आखिरी विवाद नहीं है। कुछ दिन पहले ही भारत ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में ऐसे ही घरेलू सामग्री अनिवार्यता के खिलाफ 8 अमेरिकी राज्यों को WTO में घसीटा है। देखते रहिए टीवी लाइव।